आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। कानपुर बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उन्नाव का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जाने लगी। कानपुर बरेली के बाद अब उन्नाव में शुक्रवार को बाजार बंदी के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जुम्मे के दिन बाजार बंदी के पोस्टर वायरल होने के बाद जिला और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। कानपुर की तरह उन्नाव को भी सुलगाने की साजिश रची जा रही है। जिन स्थानों पर बाजार बंद के पोस्टर लगे हैं उन्हें पुलिस ने फौरन हटाकर इसकी जांच शुरू कर दी है। साथ ही डीएम ने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करी है और लोगों को शांति बनाए रखने के लिए अपील भी करी है। अभी मैं झारखंड के सफर पे हूँ और कुछ बड़े अधिकारियों से उन्नाव में बात हुई तो उन्होंने अवगत कराया कि उन्नाव के अंदर कुछ पोस्टर्स वगैरह लगाए गए हैं जिसमें फ्राइडे के दिन मार्केट बंद करने का अनाउंसमेंट किया गया है। तो पहले तो मैं ये बात बता दूं कि किसी भी मुस्लिम संगठन की तरफ से उन्नाव के न हमारे और न किसी मुस्लिम संगठन की तरफ से इस तरीके का कोई अनाउंसमेंट किया गया है। शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें मुख्य रूप से उन्नाव शहर के लोग और शुक्लागंज नगर पालिका के लोग थे। इसमें दोनों धर्मों के धर्मगुरु भी थे। आगामी दिवसों में जनपद में शांति व्यवस्था पूरी तरीके से सुनिश्चित रहे, किसी के बहकावे में कोई कार्य न करें, इसी बिंदुओं के दृष्टिगत आज ये बैठक बुलाई गई थी। हम लोगों ने प्रशासनिक जो व्यवस्था है, जो हमारी पुलिस की व्यवस्था है, उसके संबंध में भी उनको बताया है। फिरोजाबाद में कानपुर हिंसा के बाद नूपुर शर्मा को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित भले ही कर दिया हो, लेकिन यूपी में लगातार नूपुर शर्मा का विरोध जारी है। नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर फिरोजाबाद में सैकड़ों महिलाओं ने जुलूस निकाला और कई स्थानों पर ज्ञापन भी दिया। उनको सख्त सजा देगी और भारत सरकार पूरी दुनिया के 2 अरब मुसलमानों को ये सबक, ये चीज़ पता चल जाएगी कि नहीं, भारत सरकार इंसाफ से काम करने वाली सरकार है और भारत सरकार एक ऐसी सरकार है जो सबको साथ और सबका विकास करने वाली सरकार है। हमें इसका भी ख्याल रखना है कि दफ़ा 44 लागू है, हमारे ज़िले में लागू है, और दफ़ा 44 लागू होने का मतलब ये होता है कि 5 लोग इकट्ठा एक जगह नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसके लिए उनके कानूनी कार्रवाई की जाती है, उनके खिलाफ मुकदमे लगाए जाते हैं और ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। ज्ञापन जो है मुझे उलेमाओं ने भी यहाँ पर आके दिया है और इसके अलावा जो महिलाएं हैं उन्होंने भी अपना ज्ञापन शांतिपूर्वक ढंग से जो है रसूलपुर थाने को दिया है। और लोकतंत्र में जो ज्ञापन वगैरह है उसकी प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है। इसके अलावा हमारी पूरी नज़र जो है वो लगातार सोशल मीडिया पे टेक्निकल इंटेलिजेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस से बनी हुई है। हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो पूरा फोर्स डिप्लॉयमेंट है, लगभग 2000 पुलिसकर्मी जो हैं उनका फोर्स डिप्लॉयमेंट पूरा डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा PSC की 2 कंपनियाँ भी जो हैं उनका भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। ड्रोन्स, CCTV और सभी चीज़ों का जो डिप्लॉयमेंट है वो पुलिस की तैयारी हम पूरी कर रहे हैं। योगी सरकार में माफियों और तस्करों पर सख्ती लगातार जारी है। जहां जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर हीरोइन तस्कर 3,60,00,000 की संपत्ति जिला प्रशासन ने कुर्क की है। बता दें कि सदर SDM प्रतिभा मिश्रा और सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला भारी पुलिस बल के साथ हीरोइन तस्कर जनेंद्र राम की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। वहीं इस कार्रवाई की पुष्टि सदर SDM प्रतिभा मिश्रा ने की है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के तहत जैनेन्द्र मुन्ना के खिलाफ एक कार्यवाही की गई है, कुर्की की कार्यवाही की गई जिसमें कि चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। जनपद गाजीपुर के हेरोइन ड्रग माफिया जैनेन्द्र प्रताप निवासी बबेडी, इसके खिलाफ थाना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था 187/22। उसी गैंगस्टर के मुकदमे में श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय द्वारा गैंगस्टर की धारा 14 के अंतर्गत आज कुर्की के आदेश जारी किए।
गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड मुख्तार अंसारी पर हमले के आरोपी त्रिभुवन सिंह की पेशी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। वहीं अगली सुनवाई 26 जून को होगी। आपको बता दें कि 15 जुलाई 2001 को माफिया मुख्तार अंसारी पर आरोपी ने जमकर फायरिंग की थी, जिसमें मुख्तार अंसारी बच गए थे लेकिन दो लोगों की मौत हो गई थी। ब्रजेश सिंह अस्वस्थ थे इसलिए वो नहीं आ पाए और त्रिभुवन सिंह आए थे, उनके में 21 तारीख लग गई गवाही के लिए। तो चूंकि अभी त्रिभुवन सिंह के जो वकील थे बाबू रामाधार राय, उनकी डेथ हो गई, तो एक नया वकील अपॉइंट करने के लिए मौका लिया गया है कि एक आदमी आएगा जो करेगा, तो गिरा वगैरह करेगा, इसलिए मौका लिया गया है। तो अब 21 तारीख इसमें लगी है। किस मामले में पेशी होनी? ये उसड़ी में कांड हुआ था, मुख्तार अंसारी पे गोली चली थी, उसमें एक दो लोग मरे थे, उसमें एक सिपाही मरा था और एक पब्लिक आदमी मरा था। खबर श्रीवस्ती से, जहां आशा और आशा संगनी कर्मचारी की अगुवाई में आशा और आशा संगनी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मानदेय न मिलने पर दाम नहीं तो काम नहीं प्रदर्शन करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एपी भारवर को प्रार्थना पत्र देकर वेतन दिलाने की मांग की, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि एक सप्ताह तक सभी के खातों में भुगतान कर दिया जाएगा। अगर कोई भी आशा और आशा संगनी से किसी भी कार्य के लिए विभाग में रुपए की मांग करता है तो इसकी शिकायत मुझे तत्काल किया जाए। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार की चलाई जा रही फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने हथियार फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध तमंचे और तमंचे से बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं SP कमलेश दीक्षित पुलिस लाइन परिसर में प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। अवैध शस्त्र बनाने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कोतवाली थाना अंतर्गत दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए। दोनों अलग अलग जगहों से इनके द्वारा अवैध रूप से शस्त्र बनाए जा रहे थे। इनके कब्जे से लगभग 10 बने हुए और कुछ अधबने तथा शस्त्र बनाने के भारी संख्या में उपकरण बरामद हुए हैं। पूर्व में भी ये जेल जा चुके हैं और पुनः इनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा था और ये गुडवर्क जो औरैया में दो लोगों ने दुकानदार से 80,000 रुपए ठगी करके मौके से फरार हो गए। दुकानदार के मुताबिक 5 बैटरी, 2 इन्वर्टर लेकर दो युवक फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके कार्रवाई में जुट गई है। अयोध्या में तैनात हो रहे राम मंदिर मॉडल रेलवे स्टेशन को जल्द ही यात्रियों की सुविधा के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही यात्रियों की बढ़ती संख्या के चलते अयोध्या रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के संचालन को बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म को खोलने की तैयारी है। अयोध्या में जैसा कि आपको मालूम है बहुत भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, उसी के निरीक्षण के लिए मेरा आज यहाँ पे आना हुआ। मैंने माननीय सांसद महोदय से भी चर्चा करी, इनका मार्गदर्शन हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है और समय समय पर ये अपने बहुमूल्य सुझाव देते हैं जिन पे अमल पे लाके हमने काफ़ी कार्य किए हैं। उसके साथ साथ दूसरा उद्देश्य था, यहाँ पे जो डबलिंग का कार्य चल रहा है उसमें अयोध्या से लेके बाराबंकी स्ट्रेच के बीच में उसकी तैयारियों का निरीक्षण हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो अयोध्या से जौनपुर के बीच में जो कार्य चल रहा है उसका भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करके उसकी टाइमलाइन हम लोगों ने जो बनाई हुई है उसके हिसाब से कार्य चल रहा है, इसकी समीक्षा करेंगे। बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां सराफा व्यापारी से सोने की चैन लूटने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से 1 पिस्टल, सोने की 11 चैन और 1,00,000 रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप में एक व्यक्ति ने घुसकर लूट करी थी, जिसमें कि कुल 11 चैनें गई थी।
इस घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते हुए 5 टीमों को लगाया गया था घटना के अनावरण के लिए, जिसके क्रम में आज कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लूटी गई संपत्ति बरामद कर ली गई है। खबर बिजनौर से है, जहां की पुलिस ने 3 शातिर चोरों को चोरी की 2 ट्रालियों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर चोरों के पास से 1 अवैध तपंचा, 2 नजायज चाकू भी बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में शातिर चोरों से बताया कि वह ट्राली चोरी करके उन्हें सस्ते दामों पर बेच देते थे और पैसे को आपस में बांट लेते थे। SP ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए चोरों की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी और साथ ही गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। ट्रैक्टर के इंजन से ले जा रहे थे, एक इनका खुद का है, एक किराए पर लिया था, उसके सहित गिरफ्तार किया गया है। मैं तमंचा, चाकू और कारतूस के, इसमें देवेंद्र उर्फ बंटी शातिर किस्म का अपराधी है। इसके खिलाफ कई अभियोग हैं, HS खोलने की कार्रवाई प्रचलित है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई पूर्व से ही प्रचलित है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। खबर मैनपुरी से है, जहां अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस लगातार अधीक्षक कमलेश दीक्षित लगातार अपराधों के नाक में नकेल डालने हुए हैं, जिसके चलते मुखबिर की सूचना पर करहल पुलिस और सर्विलांस टीम ने अंतर जनपदीय लुटेरे गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, 2 तमंचा और 1 कार भी बरामद की है। करहल थाना में 3 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, 1 इको कार और 2 तमंचा बरामद हुआ है। पूर्व में भी इनके द्वारा कई चोरी घटनाएं की गई हैं, साथ ही इनके पूछताछ में बताया जा रहा है कई और चोरियों के खुलासा होने की संभावना है। अभी इनसे इंट्रोगेट किया जा रहा है, साथ ही विवेचना के दौरान भी अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे, तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अभी ये जो दो चोरी किए थे हाल ही में, ये दोनों ही मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुआ है। इनका एक बड़ा नेटवर्क है और गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। अलीगढ़ में DIG ने पुलिस बल के साथ क्षेत्र का भ्रमण किया और पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। दरअसल शहर में शांति व्यवस्था व कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से DIG दीपक कुमार ने पुलिस बल के साथ पैदल भ्रमण किया और तैनात पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने की निर्देश भी दिए। शासन के निर्देश के अनुसार पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के और DGP महोदय के निर्देश हैं, उसमें जितने भी हमारी पिकेट हैं संवेदनशील इलाके में, जो परमानेंट पिकेट हैं, उन सब जगह हमारे कर्मचारियों को मोटिवेट करना, लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना और जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मन में यह महसूस हो कि कानून का राज है, जो भी गलत करने का प्रयास करेंगे उस पर सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से अलीगढ़ के इस पुराने शहर में पिकेटों का निरीक्षण किया जा रहा है, जहाँ हमारे PSC के जो हमारे साथी हैं जो ड्यूटी देते हैं उनको मोटिवेट किया जा रहा है। मुरादाबाद में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद एक पक्ष दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने का आरोप लगा रहा है, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यहां पर यह है कि फायरिंग की आवाज आई, सब लोग गांव के इकट्ठे थे, मतलब यहां पर फायरिंग हुई है। किन लोगों ने फायरिंग की? फायरिंग ही इधर से हुई है। क्या नाम उन लोगों का? ये इब्जाल की बात आई सामने। झगड़ा किस वजह हुआ था? क्या ये खाली मूली का झगड़ा है इनका? झगड़ा ऐसा हुआ, हम मापूत बाहर बैठे थे खाट डारों में, तो गए आते ही एकदम हुआन के और गाली बकन लगे बापूत इफ़जाल और सानिरब आन के और बोले ना अभी ला रहे हैं हम तमंचे, लाए 2 बापूत बहुत सफ़ेद तमंचे हैं और ला के एकदम ऊपर को फेड़वा दी इन्होंने कर दी। खबर मुरादाबाद से, जहां रिश्तेदारी में आए युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की और अभद्रता की गई, जिसके बाद युवक ने SSP कार्यालय पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बिजनौर में गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा के तटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर दान पुण्य करते हुए मनोकामनाएं मांगी। बैराज गंगा घाट हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और परिवार की सलामती की कामना की। इस दौरान बैराज गंगा घाट पर मेले का आयोजन भी किया गया।
शंकर भगवान ने भी लटा दे छोटी सी, इसमें दसों महत्व है, हर कार्य दस उत्सव होना है। अगर डुबकी लगानी तो दस लगानी, दान करना तो दस से करना, जैसे खरबूजे है तो दस हो, ककड़ी है तो दस हो, पंखे है तो दस हो, और दक्षिणा भी दस से ही करनी। इसका स्नान का ये 10 बार स्नान कम से कम करना चाहिए आज के दिन, ये महत्व बताया आप। सुल्तानपुर में गंगा दशहरे पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। इस अवसर पर एक मेले का भी आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान भीषण गर्मी के चलते एक महिला की मौत भी हो गई। दोपाप मेले में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होनी थी वो कल ही पूर्ण कर ली गई थी और मेला आज सभी के सहयोग से सकुशल सम्पन्न हो रहा है। वर्तमान में 11 बजे तक भीड़ काफ़ी कम हो गई है। एक दुखद घटना केवल ये हुई कि एक महिला गायत्री सिंह वाइफ ऑफ वीरेंद्र सिंह जो कि प्रतापगढ़ की रहने वाली थी, वो मंदिर की सीढ़ी पे आज स्नान करने के बाद मंदिर की सीढ़ी पे जब आई फिर वहीं पे गिर गई, वो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको उनके परिवारजनों के साथ में एम्बुलेंस से भेज दिया गया। तो गंगा दशहरा जो है भगवान राम जब रावण को मारे थे उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो पाप से मुक्ति जो है सीधे पाप को यहाँ मिला है। अब क्योंकि कहने का मतलब है जैसे ब्राह्मण रावण भी बहुत बड़ा पंडित था, तो कहन की पाप धोए धोत पाप में दिगरा देव के दान, हर सैनी में सैन किए रामचंद्र भगवान, और राम सदा करते समन, ये कहे तीनों के पाप ताप अब साप, तीनों का समन भगवान सैन करते हैं, लेकिन धोया पाप से राम का धन्य धाम धोत पाप। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।